तो हाल ही में तुम्हारा भाई गया था मूवी देखने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज। वेल, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे ये मूवी पर्सनली कैसा लगा। शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस वीडियो में तुम्हें स्पॉयलर्स मिल जाएं, तो थोड़ा संभल के। हाँ, तो 26 अगस्त को मूवी आया था, लेकिन हम लोग गए थे 28 अगस्त को। रीजन बीइंग कि बहुत से हमारे कार्यक्रम थे, जैसे मेरा दोस्त रांची में था ही नहीं, एंड कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो कि मूवी एक्चुअली नहीं जा रहे थे। किसी का एग्जाम है, किसी का कुछ और है, किसी का ट्यूशन है, किसी को कोई कोई ड्रैगन बॉल ही नहीं देखा है। ऐसे बहुत से रीजन थे भाई, लेकिन तुम्हारे भाई को तो ड्रैगन बॉल से प्यार है। मतलब भाई मेरा चाइल्डहुड है उसमें यार, मैं बचपन से वो एनिमे देखता आया हूँ, तो ऑफकोर्स ये चीज देखना था। और यार हिंदी डब तो मस्ट है भाई। अरे यार वेजिटा का हिंदी डब सुनने के लिए ही तो मैं जीता हूँ। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ जाकर ही टिकट बुक करेंगे, ऑफ कोर्स पैसे बचाने हैं भाई। तो हम लोग जब गए बॉक्स ऑफिस में, हमें ये मालूम पड़ता है कि टिकट एक्चुअली किसी ने नहीं खरीदे हैं, पूरा सिनेमा हॉल खाली है और हम लोग बस दो लोग थे। आंटी जी कहती है कि नहीं भाई, हम लोग तो नहीं दिखा रहे मूवी बस दो लोग को, अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो कीजिए, अगर भर जाता है तो आप लोग देखिए, वरना शो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दो लोगों के लिए सिनेमा हम लोग नहीं खोल रहे। तब थोड़ा मुंह लटक गया था, लेकिन फिर तुम्हारे भाई ने लगाया आइडिया। उसने क्या किया कि उसने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया। हाँ थोड़ा लेम लग रहा है सुनने में, पैसे ज्यादा लग गए, बट इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने फोर्सफुली मूवी देख ही लिया। ऑनलाइन टिकट कैसे कैंसिल करोगे यार। तो मूवी के टाइमिंग के हिसाब से हम लोग 10 मिनट पहले ही पहुंच चुके थे सिनेमा हॉल में, बट ऐसे सुअर के ऐसे लोग है ना वो लोग कि यार मूवी पहले स्टार्ट कर चुके थे। हालांकि फर्क नहीं पड़ता चूंकि पहला पार्ट काफी बोरिंग था, बेसिकली विलन्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था और भाई ये बंदा कितना ओरियो खाता है भाई, इसको देख के मुझे लालच आ रहा था। खैर इस मूवी में मैंने ये ध्यान दिया कि विलन्स पे और काम किया जा सकता था, मतलब जो एक्चुअल विलन था वो अच्छा आदमी बन जाता है और जो फाइनल बॉस रहता है वो भाई एकदम माइंडल एबनॉर्मल टाइटन टाइप हरकत कर रहा होता है। बट नॉट दैट आई केयर, जब तक तुम मुझे एंटरटेन कर रहे हो मैं खुश हूँ। अगर स्टोरी के बारे में बात करूँ तो लिटरली ऐसा लगता है कि एक एनिमे का 3 एपिसोड है, लेकिन हाँ अगर ये एक्चुअल एपिसोड्स होते तो हमें ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलता, पर फिर इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है एनिमेशन की वजह से। एनिमेशन जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था, मतलब टॉप ऑफ द नॉच। हाँ मुझे पता था कि ये मूवी सीजीआई पे होने वाली है, और हाँ ये लोग सीजीआई पे कभी कभार हक देते हैं बहुत ही गंदा, लेकिन ये लोग पूरी की पूरी मूवी सीजीआई पे लाए एंड इतना अच्छे तरीके से ये लोग इसको प्रेजेंट किए ना भाई, मजा आ गया। फाइट सीन्स में जब कैरेक्टर्स लड़ होते हैं तब कैमरा उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, बिल्कुल चक्कर टाइप फील आता है, और जब बेसिकली एक कैरेक्टर उड़ रहा होता है या फिर एक कैरेक्टर जब दूर जा रहा होता है तब कैमरा को भी उसके एंगल से दूर किया जा रहा होता है, एक मोशन टाइप फील आता है वहाँ पे। एंड सीजीआई सब में एक चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अजीब दिखने लगते हैं जब उनको 2D से सीजीआई पे शिफ्ट किया जाता है, पर यहाँ पे ये चीज उतना पता नहीं चलता है। कैरेक्टर डिजाइन और जो वो लोग का मूवमेंट है वो सब बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया था, बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि कभी कभार मैं 2D देख रहा हूँ। लेकिन अब बात करते हैं हिंदी वॉइस एक्टिंग के बारे में भाई। तो हाँ हिंदी वॉइस एक्टिंग मुझे अच्छी लगी है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा हद कॉमेडी हो जाता है, कहीं कहीं पे बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम भाई एक नंबर। जो ओरिजिनल वॉइस है ना उसके हिसाब से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। खासकर मैंने देखा है कि टीवी पर जो बीरेस की जो वॉइस एक्टिंग थी वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थी, बहुत अजीब लगता था, लेकिन मूवी में उसमें पता नहीं उन्होंने क्या किया कि वो चीज बहुत ज्यादा डेप्थ पे आ गई है और बहुत ही ज्यादा अब मैच करता है ओरिजिनल बीरस से। और जो ब्रॉली है उसका वॉइस एक्टिंग भी अच्छा था, ऑफ कोर्स गोकू और वेजिटा तो मेन है ना, तो उनका तो अच्छा करना ही था। एंड जो चीलाई है और जो भी तुम्हारा लामो लीमो जो भी वो बंदा था उसका भी वॉइस एक्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, तो मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन हाँ कहीं कहीं पे भाई वो ऐसे ऐसे जो डायलॉग बोलता है ना भाई, ओ नहीं लेकिन ज्यादातर जगहों पे डब अच्छा है। मैं सोच के गया था कि भाई सिनेमा हॉल में कामे हा में हाथ चिल्ला के आऊंगा, पूरा जान लगा के चिल्लाऊंगा भाई, लेकिन पूरी मूवी में कामे हा में हा हुआ ही नहीं, मतलब हुआ था लेकिन बस 2 सेकंड के लिए। अरे यार, और एक और फनी बात, मैं और मेरा दोस्त होकागे और अकात्सुकी का शर्ट पहन के गए थे ड्रैगन बॉल का मूवी देखने, और पूरे सिनेमा हॉल में बस हम लोग 2 लोग थे, बहुत ही अजीब फील आ रहा था यार, पूरा सिनेमा हॉल खाली था। लेकिन ना ज्यादा देर के लिए नहीं, बेसिकली क्या हुआ था, जब पूरा सिनेमा हॉल खाली था और मूवी के बीच में एक आदमी आता है और हम लोग से पूछता है कि सर एक काम करूं,
क्या आप लोग बस दो लोग है, आप लोग दूसरा मूवी देखना चाहेंगे वो वाला सिनेमा हॉल में आप लोग को भेज दूं क्या, अगर आपकी मर्जी हो तो। मतलब भाई इतना खराब बेइज्जती, भाई पागल है क्या, क्या कुछ गुना कर रहे हैं क्या ये देखकर। तो हमने कहा नहीं हमें यही देखना है भाई। लेकिन फिर चार अंकल आते हैं और वो लोग पीछे बैठ जाते हैं, मतलब उन लोगों ने भी टिकट बुक कर लिया था। एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन बुक नहीं करते तो उनका भी वाट लग जाता, वो लोग मूवी नहीं देख पाते क्योंकि मूवी चालू ही नहीं होता। पीछे कसम से चार अंकल आए थे, लिटरली अंकल थे वो लोग, और वो लोग भी हमारे साथ मूवी देख रहे थे। तो हम लोग एक्चुअली छह लोग हो गए थे, लेकिन तब भी पूरे मूवी में छह लोग सही में। एंड मेरे ख्याल से 26 को ज्यादा भीड़ होगा, हम लोग दो दिन बाद गए थे तो इसी वजह से कम भीड़ था। और एक्चुअली रांची में बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कि ड्रैगन बॉल आ गया है, एंड मेरे ख्याल से रांची में फैन बेस नहीं है उतना एनिमे का। मुंबई दिल्ली वगैरह में तो मैं देख रखा हूँ कि हाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा फैंस है, लेकिन नहीं रुको एक्चुअली यहाँ पर भी है। मैंने पूछा था किन्नी किन्नी लोगों से तो उन्होंने बताया था कि उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि ड्रैगन बॉल का कोई मूवी भी आया है, मतलब हद है यार। तो मूवी एक्चुअली काफी अच्छा था, मैं काफी एंटरटेन हुआ इसको देखकर। लेकिन अगर रेट करने का बात है तो मैं उसको 6/10 दूंगा ड्यू टू प्लॉट एंड स्टोरी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो यार कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था अगर तुम लोग गए थे इस मूवी को सिनेमा हॉल में देखने। तुम इस मूवी को 10/10 कितना दोगे, और हाँ रीजन भी बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।